उमस और तेज धूप से भरा गर्मी का सीजन जा चुका है और बारिश के पानी की पहली बूंदें मिट्टी पर गिरने से जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू आती है उसके साथ ही मानसून का सीजन आ गया है। बारिश के सीजन में सभी सब्जियों का मार्केट में भाव अच्छा रहता है, इसलिए जुलाई के महीने में सब्जियों की खेती करके हम एक अच्छी आमदनी ले सकते। अब जुलाई के महीने में हम किन किन फसलों की खेती कर सकते जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। जुलाई के महीने में हम 20 से भी अधिक फसलों की बुआई कर सकते हैं। अब ये फसलें कौन सी है जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बारिश के सीजन में ज्यादा पानी के गिरने से हम हमारी फसल की किस तरह से सुरक्षा कर सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी पहली फसल है बैंगन। अगर आपकी बैंगन की नर्सरी तैयार है तो आप बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट जुलाई के महीने में कर सकते हैं। और अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आप जुलाई के महीने में बैंगन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। अगर आप जुलाई के महीने में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप दिसंबर के महीने तक बैंगन के पौधे से उत्पादन ले सकते हैं। हमारी दूसरी फसल है खीरा। बारिश के सीजन में खीरे की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप खीरे के बीजों की बुआई जून और जुलाई के महीने में कर सकते हैं। यानी कि आप जुलाई के महीने में खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप बारिश के सीजन में खीरे के बीजों की बुआई बेड बनाकर करें। बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें और एक बेड की चौड़ाई 2 फीट के आसपास रखें। एक बेड पर अगर आप 2 लाइन लेते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें और इन्हें जिगजैग तरीके से लगाएं। खीरे की फसल के लिए आप सिजेंटा ग्लॉसी, सेमिनस मालिनी और सेमिनस पद्मनी के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमारी तीसरी फसल है भिंडी। भिंडी की फसल ज्यादा पानी के गिरने से भी प्रभावित नहीं होती अन्य फसलों की तुलना में, इसलिए जुलाई के महीने में भिंडी के बीजों की बुआई करना एक अच्छा चुनाव है। आप 15 जुलाई के पहले भिंडी के बीजों की बुआई कर दें। बारिश के सीजन के लिए आप अद्वंत राधिका F1 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। हमने गर्मी के सीजन में भिंडी के बीजों की बुआई की थी और पूरे गर्मी के सीजन हमने भिंडी की फसल से उत्पादन लिया था। हमें 18 से 20 रुपए के आसपास भिंडी का एवरेज मंडी भाव मिला था और बारिश के सीजन में भिंडी का आपको और भी अच्छा मंडी थोक भाव मिल सकता है, इसलिए बारिश के सीजन के लिए भिंडी की फसल अवश्य लगा। हमारी चौथी फसल है मूली। मूली का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव आपको बारिश के सीजन में मिलता है, इसलिए जुलाई के महीने में मूली की खेती अवश्य करें। आप बारिश के सीजन में मूली के बीजों की बुआई समतल खेत में ना करके मेड़ बनाकर करें। मेड़ से मेड़ के बीच की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखें और मेड़ की हाइट 15 से 20 सेंटीमीटर व इन मेड़ों पर 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बीजों की बुआई करें। बीज जर्मिनेशन के बाद जब आपके पौधे की 2 पत्तियां आ जाए तब आप 2 पौधों के बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें और बाकी बचे पौधों को उखाड़ दें। मेड़ विधि मूली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस विधि में हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारे पौधे की जड़ भी मुलायम रहती है, इसलिए बारिश के सीजन में आप मूली की खेती मेड़ विधि से ही करें। हमारी पांचवी फसल है प्याज। प्याज की नर्सरी जिन किसान भाइयों की तैयार है वे प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर दें, और जिन किसान भाइयों की प्याज की नर्सरी तैयार नहीं तो वे जुलाई के महीने में भी खरीफ के सीजन के लिए प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। खरीफ के सीजन के लिए आप नासिक N53 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तब लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 इंच रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 4 इंच रखें और इस तरह से आप अपने प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। हमारी छठी और सातवीं फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। आप जुलाई के महीने में अगेती फूल गोभी और अगेती पत्ता गोभी दोनों ही फसलों की खेती कर सकते हैं। किस तरह से करना है इस पर डिटेल में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए, आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिटेल में जानकारी दी है कि हम अगेती पत्ता गोभी और अगेती फूल गोभी की खेती किस तरह से कर सकते हैं। हमारी आठवीं फसल है बेलवर्गीय फसल।
बेलवर्गीय फसलों में करेला, गिलकी, तोरई, लौकी और सेम की फली आती है। आप इन सभी फसलों की बुआई जुलाई के महीने में कर सकते हैं। बेलवर्गीय फसलों पर हमने डिटेल में 2 से 3 वीडियो बनाए जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारी 9वीं फसल है मिर्च। बरसात के सीजन में मिर्च की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर महीने, यानी कि आप जुलाई के अंतिम सप्ताह में मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। अब मिर्च की नर्सरी लगाने के लिए सवाल आता है कि हम मिर्च के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें। तो मिर्च के मुख्यतः 2 प्रकार है। पहला डार्क ग्रीन, इसका टेस्ट तीखा होता है और इसके पौधे की हाइट 3 से 4 फीट के आसपास रहती है और इसके फल की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसके कुछ उन्नत सीड्स इस प्रकार है: महिको नवतेज, यूएस एग्री सीड्स की 1003, अदवंत गोल्डन सीड्स की AK47। मिर्च की दूसरी वेराइटी लाइट ग्रीन, इसका टेस्ट कम तीखा होता है व इसके फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर तक रहती है। इस वेराइटी के उन्नत सीड्स इस प्रकार है: हाईवेज कंपनी की सोनल, VNR 332 रानी व VNR 109 और सेमिनस सितारा गोल्ड। आप अपने एरिया के अनुकूल जिस भी वेराइटी का अच्छा मार्केट है उसका चुनाव करें। अगर आपके एरिया में डार्क ग्रीन का अच्छा मार्केट है तो आप डार्क ग्रीन के सीड्स का चुनाव करें और अगर आपके एरिया में लाइट ग्रीन का अच्छा मार्केट है तो आप इसका चुनाव करें। हमारी 10वीं फसल है दलहनी कुल की फसलें, जिसमें मूंग और उड़द आती है। आप मूंग और उड़द इन दोनों ही फसलों की बुआई खरीफ के सीजन में कर सकते हैं, यानी कि जुलाई के महीने में। इसके अलावा आप सोयाबीन की खेती भी कर सकते हैं। सोयाबीन की खेती का भी यह सबसे उपयुक्त समय है और भारत के अधिकतर राज्यों में खरीफ के सीजन में सोयाबीन की खेती होती है। अब सवाल आता है कि हम बारिश के सीजन में अपनी फसलों को ज्यादा पानी के गिरने से कैसे बचाएं। सबसे पहले, अगर आपके खेत में पानी का ज्यादा दिन तक भराव होता है तो आप सब्जियों की फसलों की खेती अपने खेत में ना करें। इसके अलावा, अगर आपने अभी तक 2 बार जुताई कर ली है तो 1 बार रोटावेटर चलाने के बाद मिट्टी को एकदम महीन कर दे और अपने खेत को एकदम समतल कर दे, ताकि बारिश के पानी के गिरने से हमारे खेत में जल भराव ना हो। इसके अलावा, बारिश के सीजन में आप इन फसलों की बुआई बेड बनाकर करें, ना कि समतल क्यारियां बनाकर। बेड बनाकर करने से आपके अगर खेत में जल भराव भी होता है तो भी आपकी फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और इस तरह से आप ज्यादा पानी के गिरने से बारिश के सीजन में अपनी फसलों की रक्षा कर। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि अगर हमारे पास में 2.5 एकड़ कृषि भूमि है तो हम जुलाई के महीने में इन फसलों की बुआई कितने एरिया में करें कि हमारी आमदनी बुआई के मात्र 40 से 45 दिन के बाद ही शुरू हो जाए और पूरे दिसंबर के सीजन तक चलती रहे। इसके लिए आप 2.5 एकड़ में से 1/2 एकड़ में बैंगन की फसल लगाए और 1/2 एकड़ में मूली की फसल लगाए। अब 2.5 एकड़ में से 1 एकड़ में हमें क्या बोना है, यह तो हमने तय कर लिया है। अब बाकी बचे 1.5 एकड़ में से 1/2 एकड़ में आप भिंडी की फसल का चुनाव करें और बाकी बचे 1 एकड़ में आप बेलवर्गीय फसलों की खेती करें। 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें आपको यह भी पता चलता है कि आपकी कितनी लागत आएगी, कौन से बीजों का चुनाव करना उचित रहेगा और आप 1 एकड़ बेलवर्गीय फसलों के मॉडल से कितनी आमदनी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप 2.5 एकड़ कृषि भूमि को डिवाइड करते हैं तो आपकी आमदनी बुआई के मात्र 40 से 45 दिन के बाद ही भिंडी की फसल के रूप में शुरू हो जाएगी और उसके बाद आपको इन बाकी फसलों से उत्पादन मिलता रहेगा और बैंगन की फसल का उत्पादन आपको दिसंबर महीने तक मिलेगा। इस तरह से कुल 5 से 6 महीने तक आपकी कंटिन्यू आमदनी होती रहेगी। हमने वीडियो में जिन भी फसलों को बताया है, आप इन सभी फसलों की बुआई जुलाई के महीने में कर सकते हैं। आप जुलाई के महीने में किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आप कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को भी कंप्लीट करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय।